प्यार से बोलो जय श्री राम। स्कैन होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम गोमती नगर पे हैं और जो होटल ताजमहल के बगल में अम्बेडकर पार्क, जस्ट सामने यूपी दर्शन पार्क आम लोगों के लिए खुल गया। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या खास है। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में ये पार्क है। तो ये सुबह 10 बजे से खुलता है और रात में 8 या 9 बजे तक खुला रहता है। चलो फिर अंदर चलते और आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, तो आप बाहर से देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा खूबसूरत बना। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी दर्शन पार्क। रात में आएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। अंदर आ गए, वो अंदर चल के टिकट लेते हैं, देखते हैं टिकट का क्या प्राइस है। पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आप जैसे ही अंदर आएंगे आपको यहाँ पे खाने पीने का मिल जाएगा, सिर्फ ऑफ फील्स और बन मक्खन चाय मुसासा, लेकिन अभी सुबह सुबह बंद है। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे टिकट काउंटर और टिकट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति से लेकर 60 वर्ष की आयु तक के 100 रुपये, और 60 वर्ष से अधिक के 50 रुपये, और छोटे 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फ्री है। तो चलो हम भी टिकट लेते फिर अंदर चलते हैं। भैया एक दे दीजिए। हाँ एक। तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया। टिकट 100 रुपये का है, यानी कि लखनऊ का सबसे महंगा पार्क है जिसका एक टिकट मात्र 100 रुपये का है हम लोगों के लिए। तो ये टिकट में पूरा डिटेल है और GST भी लगा हुआ है, CGST, SGST सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलो अंदर चलते और अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या खास है। स्कैन होता है। इसमें बारकोड दे रखा है, इसे स्कैन होता है, आपकी एंट्री से हो जाएगी। तो अंदर तो आ गए, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हरा भरा पार्क है और साथ में यार ये गाना बजा तो समझो कि कॉपीराइट आना तो ज़रूरी है, लेकिन किसी तरह से मैनेज करते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ से एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा झांसी का किला देखने को। देख सकते हैं ना कितना ही ज़्यादा प्यारा हो, कितना एकदम वैसा ही लग रहा हो। सबका सब एकदम वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, सबका सब लोहे का हो गया, जितना भी कूड़ा कबाड़ है उससे सब बना हुआ है। यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, झांसी का किला। तो भाई ये आ गया आगरा का ताजमहल। देख सकते हैं ना कितना ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, और ये भी एकदम कबाड़ से ही तैयार हो रखा है। और यहाँ पे फव्वारे अभी चल नहीं रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लग रहा है देखने में। और अब हम आ गए हैं फतेहपुर सीकरी। ये पूरी आपको यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिल जाएंगी। और ये देखिए ना कितना ही ज़्यादा मस्त लग रहा है ना, एकदम वेस्ट मटेरियल से बना है, लग ही नहीं रहा है कि वेस्ट मटेरियल से बन के तैयार हो रखा है। इस पार्क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हुआ है। इस तरह के कम से कम आपको 18 और भी देखने को मिलेंगे, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, अयोध्या का श्री राम मंदिर हो गया, विधानसभा हुआ, सब कुछ आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और इस पार्क की जो लागत है वो कम से कम लगभग 10 करोड़ रुपये लगी है इसको बनाने में। चलिए और चलते हैं और आपको दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ इस पार्क में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको डायरेक्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर और सेल्फी पॉइंट भी इस तरह के आपको सिंबल यहाँ पे मिल जाएंगे। इधर बांके बिहारी मंदिर और उधर सेल्फी पॉइंट, क्या ही मस्त लग रहा है। मेरा लव यूपी, मेरा यूपी लव, कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों इस पार्क में आप महिला मित्र के साथ, परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ, किसी के भी साथ आप आ सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं। और धूप में तो भाई नहीं आने वाला, लेकिन शाम में बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो दोस्तों आपके सामने है बांके बिहारी मंदिर, जो वृंदावन में श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ये भी आप देख सकते हैं ना, कितने खूबसूरत बना है। ये भी वेस्ट मटेरियल से तैयार होकर एकदम लोहे का बना हुआ है। देख सकते हैं ना आप, वहाँ पे किनारे किनारे जो बाइक के रिम होते हैं वो सब वहाँ पे लगे हुए हैं। क्या ही खूबसूरत कलाकारी यहाँ पे की गई है, और इसकी हिस्ट्री आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं राधा रानी मंदिर, जो बरसाना में स्थित है। देख सकते हैं ना, ये भी आप कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। रात में आएंगे जब इसकी लाइट जलेगी ना, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लगेगा। और ये आप इसकी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके। और हरियाली तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा यहाँ पे लग रहा है, गर्मियों में तो और ज़्यादा यहाँ पे ठंडा लगेगा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। आप चारों तरफ आप मेरे देख ही सकते हैं। मेरे पीछे जो आपने इससे पहले देखा वो ई मंत्र था, पूरा का पूरा वेस्ट कीबोर्ड से मिलकर बनाया गया था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, वो भी आपने देख लिया। अब आपके चलते हैं दूसरा दिखाने। तो भैया इस पार्क में आपको बड़ा इमामबाड़ा भी देखने को मिलेगा। पहले आप इसकी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ना, कितना ही ज़्यादा दमदार बनाया गया, लोहे के वेस्ट मटेरियल से एकदम तैयार करके, एकदम हूबहू ऐसा ही लग रहा है। रात में जब देखेंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और पीछे JPNIC की बिल्डिंग दिख रही है, वो भी ज़्यादा खूबसूरत है। पार्क में साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया, हर जगह आपको यहाँ पे डस्टबिन भी देखने को मिल जाएंगे, और पानी की तराई भी हो रखी है, आप वहाँ पे पीछे देख ही सकते हो। और भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। टोटल 18 जो ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आ गई है इमारत लखनऊ के विधान भवन की, देख सकते हैं ना एकदम। मिन्नवाशिनी मंदिर, काशी विश्वनाथ, नौका विहार, किड्स जोन, फूड कोर्ट भी है, नौका भी है, भाई सब कुछ है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इधर है राम मंदिर, देवीपट्टनम मंदिर, श्री गोरखनाथ मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर, सब कुछ है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं महापरिनिर्वाण मंदिर है, जो कुशीनगर में स्थित है, महात्मा बुद्ध का है। और आप देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा पूरा वेस्ट मटेरियल से सब एकदम लोहे का बन के तैयार है। टहलते टहलते पसीना आ गया यार, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कुंभ मेला भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या ही मस्त। यहाँ पे झील भी है, शायद बोटिंग वगैरह भी होती इस टाइम, चल रही कि नहीं चल रही है मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी सुंदर ये बना रखा है यार यहाँ पे। ये जगह उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो अपने महिला मित्र के साथ आएंगे, ये जगह उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि झील है और बोटिंग भी होती है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी अपनी महिला मित्र को लेके यहाँ पे आओ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, शेर, बारहसिंगा, हिरण, गिद्ध, भालू, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और चचा लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं बैठ के। और ये क्या बना है यार, झोपड़ी नुमा कुछ करके यहाँ पे बनाया गया है। फिर जो गांव में जैसे घर नहीं बनते थे, वैसे यहाँ पे मिट्टी का वो लेप करके पुताई करी गई है। और उधर भी वहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है पुरुष और स्त्री का, ये भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। सब कुछ आपको इस वीडियो में टोटल इस पार्क की जानकारी मिलेगी। तुलसीदास, सीताराम सीताराम सीताराम। यह
ये यहाँ कुंभ मेला का दर्शाया गया। आप देख सकते हैं ना कितना ज्यादा एकदम हूबहू ऐसे ही बना है, और दूर से देखने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा, और रात में जब लाइट जलती ना तो क्या ही कहने इन सारी कलाकृति को जो भी इन लोगों को बनाया गया ना, उस भाई जवाब नहीं है क्या दिमाग लगाया होगा कैसे कैसे बनाया गया। आप देख सकते हैं ये पूरी झील बनाई गई है बोटिंग के लिए, बोट वहाँ पर रखी हुई है और ये एकदम पूरा वहाँ तक बोटिंग होती है। और महिला मित्र के साथ भाई आने वाला है तो जल्दी जल्दी अपनी महिला मित्र को लेके यहाँ पर आओ और बोटिंग के मजे लो, पार्क के मजे लो, काफी ज्यादा सुहावना। यह पूरा एरिया बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं लेकिन इस समय सबकी हवा निकल गई है, और वो वाला बुल्क वाला झूला भी है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह की आपको चेयर भी देखने को मिल जाएगी, जो ट्रक का पहिया होता है उसका जो रिम होता है वो यहाँ पे काट के बनाया गया। और ये विंध्याचल मंदिर है, क्या ही खूबसूरत लग रहा है, जब इसकी लाइट जलेगी ना रात में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। जिन लोगों ने भी बनाया होगा ना कारीगर को, भाई बहुत दिल से मैं सलाम करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, तभी तो यहाँ पे 10 करोड़ लगभग 10 करोड़ की लागत से यह पूरा पार्क तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में और वीडियो को भी बनाने में, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है, पसीना भी आ रहा है। ये है देवी पाटन मंदिर जो उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर ज़िले में पड़ता है, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता था लेकिन ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, कितना बड़ा कलाकारी यहाँ पे करी गई है। और अब है लास्ट में अयोध्या का श्री राम मंदिर जो अभी जल्दी बनके तैयार हुआ और यहाँ पे भी बनके एकदम तैयार हो गया, क्या ही कहने इसके, कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। एक बार प्यार से बोलो जय श्री राम। और ये है बोटिंग के लिए जो बोट यहाँ पे इस झील में चलाई जाती है। तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी खुला है जिसका नाम है रीमिक्स द वेज फूड हॉल, आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ऐसे झुग्गी नुमा आपको यहाँ पे खाने के, इसके नीचे बैठ के आराम से खा सकते, एकदम गांव वाला फील आएगा। पार्क में टिकट तो 100 रुपये का है लेकिन पार्किंग के लिए एकदम मुफ्त है, तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी और भी यहाँ पे कई गाड़ियाँ आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो एकदम फ्री है, ये सुविधा बढ़िया है। तो दोस्तों यूपी दर्शन पार्क की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आया तो लाइक करना, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह किसी बढ़िया सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए।